नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं खुला मंच और मैं हूं कुलेश्वर प्रसाद। अभी हम हैं झारखंडी एकता संघ थाने में। यहां सार्वजनिक विश्वकर्मा पूजा 2024 का उपलक्ष में एक प्रत्येक साल एक आयोजन रखा जाता है। प्रवासी भाई जो झारखंड से चलकर मुंबई के पावन धरती पे अपना जीवन अपन दिनचर्या चलाते हैं, आइए जानते हैं झारखंड से आए एक युवा साथी जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और झारखंड में जॉब ना मिलने के कारण अपने जीवन अपन बम्बई में आकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जोहार आपको चैनल को देखने वाले। युग शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पावन त्योहार में आज यहाँ भव्य आयोजन रखा गया है। तो बाहर से आते हैं आपके क्षेत्र से नेता जन प्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं अपनी भाषण सुनाकर चले जाते हैं। क्या आपके दुख दर्द को झारखंड में लेकर विधानसभा में ये बात उठाते हैं? देखिए, हमारे बरकठा से जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आए हैं उनको उनके साथ में दो बात रखना चाहता हूँ। पहला बात हमारा ये होता है कि देखिए, हम लोग सब ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और झारखंड का लाइसेंस का मान्यता सिर्फ झारखंड तक ही है। झारखंड का लाइसेंस अगर हम महाराष्ट्र में लेते हैं तो महाराष्ट्र के पुलिस वाले इसे उठा फेंक देते हैं। तो ये झारखंड का लाइसेंस है, उसका पूरा ऑल इंडिया में मान्यता प्राप्त हो ताकि ऐसे हम कहीं भी क्षेत्र में अगर गाड़ी चला सकते हैं तो ऐसे पुलिस वाले हम लोग को कोई तकलीफ ना दे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की कमियां इसमें साफ झलकती है कि बम्बई का जो लाइसेंस है वो पूरा ऑल इंडिया ओवर में चलता है। मुंबई का लाइसेंस जो है ऑल ओवर इंडिया में चलता है। मुंबई का लाइसेंस हम झारखंड लेकर चलते हैं तो पुलिस वाला वहाँ पे हाथ तक नहीं लगाता है, लेकिन वही लाइसेंस हम मुंबई में लेके आते हैं तो ऐसे फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे लाइसेंस हमारे पास 5000 पहले से पड़ा है। तो क्या झारखंड सरकार से मांग करना चाहूंगा कि झारखंड का जो लाइसेंस है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में मान्यता प्राप्त हो, उसका टी परमिट का जो लाइसेंस है। क्या झारखंड सरकार जो है झारखंड में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां, अच्छा कामगारों के लिए अच्छा फैक्ट्रियां लगाए, पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब का व्यवस्था करे, बेरोजगारी कम करे, तो ये पलायन का दशा जो है बम्बई गुजरात या अदर स्टेट में जाकर पलायन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसमें कमी होता कि? देखिए, हमारा झारखंड जो एक राज्य ऐसा राज्य है जो 40% खरीद देने के बावजूद भी झारखंड के लोग अगर प्रवास का पीड़ा चल रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मैं झारखंड सरकार को कहना चाहूंगा कि आप 75% जो रोजगार है वो झारखंडियों के लिए दीजिए, और जो आता है लेबर कार्ड का जो योजना चलता है, लेबर कार्ड में आपका आज तक जो है वो 250 या 300 रुपया कुछ है वो आज तक वही चल रहा है। तो लेबर कार्ड में आप कम से कम 600 या 700 रुपया रखे ताकि एक साधारण सा मजदूर का जो जीवन यापन उसको करने में सही हो। ताकि देखिए, 80,000 रुपया कमाने वाला अगर एक कर्मचारी 8,000 कमाने वाला व्यक्ति से रिश्वत लेता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां झारखंड में बढ़ चढ़कर चालू हो गया, तो क्या इस बार नई सरकार चाहते हैं या जो वर्तमान की सरकार है वो अच्छी है? देखिए, इस बार मैं झारखंड का जनता को, मतलब ऑल ओवर झारखंड जनता को और खास करके बरकठा वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि इस बार का वोट का मुद्दा सड़क नहीं होना चाहिए, बिजली नहीं होना चाहिए। इस बार का जो मुद्दा होना होगा वो मतलब स्वास्थ्य विभाग का हो और शिक्षा का हो, ये दो नियम पर ही वोट करें। देखिए, आज बरकठा का हालात बहुत खराब है। तो बरकठा का हालात खराब है, बरकठा में बरकठा से आए दो पूर्व और वर्तमान के विधायक यहाँ अपनी बातों को रखे, तो आपकी बातों को क्या यहाँ से लेकर वहाँ जाएंगे और आपकी सुविधा को उपलब्ध कराएंगे, मुहैया कराएंगे? मैं बरकठा से आए हुए प्रतिनिधि को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर जीत करके अगर विधानसभा में पहुँचते हैं तो सबसे पहले पलायन रोकने का मुद्दा जो है उस पर विचार करें कि पलायन को कैसा रोका जाए।
अगर कोई भी काम निकलता है, अभी देखिए बरकट्ठा में शायद कोई बिल पास हुआ है जिसमें देखिए झारखंड के लोग आकर के मुंबई में 500-600 रुपया कमा रहे हैं और वहीं पे आके बिहार के लोग यूपी के लोग आके रोजगार उन लोगों को मिलता है। इसके लिए सबसे पहले झारखंड आ गया मुद्दा बाहरी का, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में बाहरी लोग हैं और उसी हिसाब से अपने क्षेत्र के लोगों को लाते हैं। देखिए अगर झारखंड सरकार नियम लाया था कि हम झारखंडियों के लिए ठेकेदार जो कुछ भी अगर काम होता है तो झारखंडियों को देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं तो नई पार्टियां का गठन होगा और दो पार्टी है, दो चेहरा है, तो क्या नई पार्टियों को इस बार देने के चांसेस है? देखिए इस बार नए पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा को मौका मिलना चाहिए, ताकि दो चेहरा को हम लोग बहुत बार मौका दे दिया, लगभग 24 साल झारखंड में लगभग क्या हो गया, लेकिन शायद जो समस्या वो आज तक युवा लोग झेल ही रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आइए मिलते हैं, कमेटी के मेंबर सदस्य हैं, इनसे जानते हैं कि ये झारखंडी एकता संघ जो थाने में चल रहा है वो कितने वर्षों से यहाँ ऐसी, देखो 6-7 वर्ष हो गया है और ऐसा ही चल रहा है, कोई सुख सुविधा नहीं मिलता है और बहुत सारे कमियां हैं जो हमारे झारखंड के वासियों को यहाँ रह रह के अपना पेट पालते हैं कुछ भी करके, तो ऐसा समस्या ना हो इसलिए इसका कोई भी सलूशन और उपाय ताकि झारखंड में ही हो तो मुंबई क्यों आएगा इतना दूर 1800 किलोमीटर चल के, तो ऐसा जितना भी रोजगार हमारे झारखंड में होंगे तो फिर यहाँ आने का कोई दिक्कत नहीं है और वहीं रोजगार मिलेगा तो फिर टैक्सी चलाएगा यहाँ पे पढ़ाई के लिए। झारखंड में जब रोजगार मिल जाएगा तो 1800 किलोमीटर आने की जरूरत नहीं है, सुविधा नहीं है बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए और एजुकेशन के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा हमारे झारखंड की जितना भी प्रतिनिधि हैं जो भी जीत के जाएंगे संसद में वो एक ही मुद्दा से नहीं होगा, बहुत सारे मुद्दे को लेकर जाएं और अपना विचार को रखें। यहाँ जो ये भव्य आयोजन प्रत्येक साल होती है विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में, तो क्या नेता जन प्रतिनिधि आते हैं तो सहयोग देते हैं, अपनी भागीदारी को देते हैं या माइक पकड़ के भाषण देके चले जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपना भागीदारी को कुछ कुछ देके अपना निभा के चले जाते हैं, फिर वो एक साल के बाद ही मुलाकात होते हैं तो? और अपना काम तो करते नहीं है, बोलते हैं खाली हो जाएगा बस उतना ही करते। पीड़ा जो आप पीड़ा सुनाते होंगे फिर भी नहीं सुनते, कोई सुनने वाला नहीं है, ताकि हर कोई मुद्दे को जब संसद में उठाता तो कोई ना कोई मुद्दा तो जरूर निकलता। तो हम लोग भाई लोग से भी थोड़ा जानते हैं, आप यहाँ प्रवासी हैं, गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ गाड़ी चलाते हैं। झारखंड कितना दिक्कत होता होगा आपको, यहाँ दिक्कत होती है? परेशानी होती है। आने जाने में सबसे बड़ी मुसीबत वही सबसे मुसीबत तो आने जाने में ही होती है हम लोगों को, उसके लिए हम लोगों को स्पेशल ट्रेन डेली और होना चाहिए जो कि उससे हम लोग को आने जाने की परेशानी दूर हो। अच्छा क्षेत्र में आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास अगर कुछ होता, शिक्षा स्वास्थ्य, तो कहीं ना कहीं कम कमियां दिखने को मिलता आपको, आने जाने यहाँ कम पड़ता, बच्चा लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते तो कहीं ना कहीं कुछ करते, तो क्या अपने विधायक अपने नेता को इन बातों से अवगत कराते हैं? जी हाँ जैसा कुछ प्रोग्राम कुछ होता है तो उस समय आप लोग अवगत कराते हैं। तो समस्या का समाधान हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव को देखते हुए क्या इस बार जो है सो वही दोनों चेहरे पे अपना बहुमूल्य वोट का ये करेंगे या कोई दूसरा चेहरा, नया चेहरा, नया विचारधारा? नया चेहरा कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को बदलने की जरूरत है, बदलने के सोच रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल नया चेहरा सामने स्पष्ट आया नहीं है, अभी आएगा तो हम सोचेंगे, उसके सोच रहे हैं कुछ नया होना चाहिए उसमें। और हमारे कोडरमा लोकसभा के सांसद और वो अन्नपूर्णा देवी जी प्लस वो मंत्री भी हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर
संसद में आपका बात उठाने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले देखिए आज मुझे जहां तक पता है कि 2014 से मेरे को मतलब आज तक 5 केजी जो चावल सेंट्रल सरकार से मिल रहा है वो तो आज तक 5 केजी ही मिल रहा है, लेकिन हम 2018 से गाड़ी चला रहे हैं, तो जब 2400 रुपया स्टार्टिंग में 2018 में 200 रुपया फाइन था, आज 1500 रुपया का फाइन मारता है, तो समझिए कि अगर सेंट्रल में लेना रहता है अगर पब्लिक से तो 200 जगह के 1500 रुपया लेता है, अगर सेंट्रल में देना रहता है अगर पब्लिक को तो आज तक 5 केजी राशन ही मिलता है, मतलब अपनी समय सीमा भर ही रहा, मतलब देखिए पब्लिक को कहां तक ठगने का काम कर रहे हैं आप ये देख लीजिए। श्री कैलाश, तो अगर इस मुद्दे पे अगर अमल करते हैं तो बहुत सारे झारखंडियों को जो है समस्या का समाधान हो सकता है। नमस्कार।